हाय गाइस, तो शॉप से भी चल रही है अंडर ₹50 सेल, जिसमें कि है आयुष्मान स्टॉप पिक्स अंडर ₹50, और ये सेल रात 9 बजे स्टार्ट होती है। तो इस सेल से आपको ऑर्डर कैसे करना है उसका प्रोसेस मैं शेयर करने वाली हूँ। कुछ सब्सक्राइबर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए लाइव ऑर्डर देख लेते हैं। तो गाइस, इस सेल से ऑर्डर वही लोग कर पाएंगे जिनके नंबर पर ये बैनर शो हो रहा है, और जिनके नंबर पे बैनर शो नहीं हो रहा है वो लिंक से भी ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिंक पे टैप करने के बाद प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं होता है। और कुछ क्वेश्चंस थे सब्सक्राइबर के कि क्या हम एक बार ऑर्डर करने के बाद दोबारा से हमें दोबारा न्यू नंबर की ज़रूरत पड़ेगी या इसी नंबर से ऑर्डर हो जाएगा। तो यही आपको बताना चाहूँगी कि जितनी बार आपको बैनर शो होगा आपके नंबर पर उतनी बार आप ऑर्डर कर सकते हैं सेम नंबर से ही, इसमें आपको न्यू नंबर की ज़रूरत नहीं है। सेल से फास्ट ऑर्डर करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि पहले से एड्रेस सेव करना, और पेमेंट अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो पेटीएम वॉलेट में आप रिफ़िल कर लेना। एप्लीकेशन आपको पहले से ओपन करके नहीं रखनी है, आपको वेट करना है एग्जैक्ट 9 बजने का। 9 बजते ही आपको क्लिक कर देना है एप्लीकेशन पर, ताकि पेज रिफ़्रेश हो जाए। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 9 बजे मैंने पेज पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे बैनर में शॉप नाउ का ऑप्शन आ चुका है। 6 सेक्शंस दिखाई दिए, तो मैंने वॉच वाला सेक्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखा कि मुझे ₹73 की वॉच दिखी और ₹53 के कूपन थे। तो कूपन अप्लाई करने के बाद इन वॉच का प्राइस 25 हो जाता है। मैंने उसे स्किप किया और मैं अदर सेक्शन में गई। पता नहीं क्या सोच के मैंने कर्टेन वाला सेक्शन ओपन किया, और यहाँ पे कर्टेन का जो प्राइस था वो था ₹71 और 22 का कूपन था। तो कूपन अप्लाई करने के बाद कर्टेन का प्राइस हो गया 49, और जब मैं इसे ऑर्डर करने बैठी तो मैंने देखा मेरा एड्रेस ही सेव नहीं है। तो मैंने फटाफट से एड्रेस सेव किया, फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया एड्रेस सेव करने में। मेरे नंबर पे वॉलेट पहले से लिंक नहीं था, तो मैंने COD पे ऑर्डर प्लेस किया, और आप देख सकते हैं 49 से 51 हो गया था ये प्राइस, क्योंकि COD पे मैंने प्लेस किया था। 2 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, तो ये देख लेना। बाकी इसके बाद मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स देखे तो काफ़ी टाइम हो चुका था, सारे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, मतलब सबके प्राइस बढ़ गए हैं, इसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं वो। तो अगर आप मेरी तरह मिस्टेक नहीं करते तो आप 2-3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर पाएंगे सेल से।